नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा और मैं अभी मौजूद हूं यमुनोत्री धाम के खरसाली गांव में। और ये वही मैदान है जहां पर यमुनोत्री धाम के लिए ट्रॉली लगेगी और यहां से स्टेशन बनेगा यमुनोत्री धाम में। गरुड़ गंगा के पास स्टेशन बनेगा और आने वाले समय में उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार के द्वारा इस सौगात मिलने जा रही है और बहुत जल्दी इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। यह है खरसाली गांव दाई तरफ, बहुत बड़ा गांव और यहीं से लगभग 60 मीटर की दूरी पर है हेलीपैड, जहां पर हेलीपैड है और वह है शनिदेव का मंदिर और जब डोली जहां पर रहती है यमुना जी के सामने मंदिर और वो सामने मुझे नज़र आ रहा है ग्लेशियर, वो कालिंदी पर्वत जहाँ से माँ यमुना जी प्रकट होती है। और ऐसे बताया जा रहा उसी जहाँ पर सप्तऋषि कुंड है कालिंदी पर्वत के पास, वहाँ पर एक जामुन का पेड़ है जहाँ से माँ यमुना जी प्रकट होती है, इसीलिए उसको यमुना जी कहा जाता है कुछ ऋषियों के मुताबिक। इसके अलावा जय मुनि ऋषि ने कई वर्षों तक तपस्या की थी, इसीलिए उसको यमुना जी कहा जाता है। कालिंदी पर्वत से प्रकट्य जो माँ का होता है इसलिए उसे कालिंदी भी कहा जाता है। और वो बर्फ की हिमाद्री ग्लेशियर से पिघलते हुए वहीं से माँ यमुना जी का प्रकट्य होता है। और बाईं तरफ है ये जो पूर्व में बीफ गांव था लेकिन अभी इसका नाम नारायणपुरी गांव रखा गया है। भूतपूर्व विधायक माननीय केदार सिंह रावत जी का भी ये गांव है और सामने की तरफ उनका मकान, मंदिर और तमाम माँ यमुना जी भी बहुत ही एकल धारा यानी वो अविरल धारा एकाग्र रूप से बहती मुझे सामने की तरफ नज़र आ रही। होटल भी लगातार निर्माण होती हुई। और जब मैं रास्ते का दौरा कर रहा था रास्ते में PWD जल संस्थान, जिला पंचायत, वन विभाग के तमाम कर्मचारी और तमाम विभागों के का निर्माण होता हुआ यानी चारों धाम की यात्रा तैयारी की निर्माण व्यवस्था भी मुझे होती हुई नज़र आई। और बहुत ही खूबसूरत दृश्य प्रातःकाल का समय। जय यमुना जी, जय हिंद, जय भारत।